जी तो अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल। उम्मीद हो कि तुम खैरियत ना हो गए। रात ही बज गए, एक तो ट्रैक्टर चला जी 10 किलो रूटर मारन, तो नवी लाइटा लाइया से। मैं तुम हमने विखाइए, चेक करो जी कैसा लग रहा है ट्रैक्टर, लाजमी दसना। है जी ड्राइवर साहब, मोबाइल शुबैल चेक कर रहे। 10 किलो रूटर मारा चला जी, तो जी उत्थे कोई ना कोई शह लावे, हाले कोई डिसाइड नहीं होया। तो है भाई जी मोबाइल कट है ते बाकी जी आप लगे हैं सौ तो तहूँ विखावे सवेरे ही। तो ड्राइवर साहब चले ट्रैक्टर लैके, क्योंकि इन्हें शा रात के सुते तो हूँ उठे से, इन्हें टाइम हो गया ड्यूटी का। तो यार ड्यूटी से चले तो आप लगे हैं सौन। जी तो जी रात को आप सो गए थे, ड्राइवर साहब रूटर लेके चले गए। तो आज आलू को पानी छुड़वाया हुआ था, तो चेक करें जी धुंध। अभी ये धुंध है कि स्मोक है, मैं मुझे नहीं आइडिया, कुछ कोई आइडिया नहीं है। तो बाकी ये अपने आलू थे, अभी इनको जो है ना वो वाले आलू पल्ला 1.5 किलो जो मैंने आपको बताया था ज़्यादा खुश्क है, लास्ट टाइम जो केर थे तो उनको भी पानी छोड़ना छोड़ा हुआ है। सुबह 4 बजे का ट्यूबवेल चल रहा है, तो अभी देखते हैं जाके दोनों को छोड़ा था। और बाकी ये देख रहे हैं दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। और अच्छी खासी ठंड है, मैंने नीचे से वेस्ट पहनी शर्ट पहनी है। आप पहुँच चुके हैं, ठंड काफ़ी ज़्यादा ही यार। ये देखिए ट्यूबवेल डल रहा पानी। बाकी जी वीडियो के साथ है ना, बाकी सारा दिन आज बहुत ज़्यादा काम है, तो वीडियो करते हैं आप स्टार्ट तो रात की है। अभी पानी फिर ही जा रहा है जी, आपने इतना रेज ज़्यादा देनी है रेज। हाँ क्योंकि सूखा प्लाट है। आपा जी जा रहे हैं जी मुर्गियां लेने, यकदम फोन आया जी एक दोस्त का कि सील मुर्गियां ले जो पास में जी अपने कबीर अड्डा है, तो आपा जा रहे हैं उधर मुर्गियां लेने। तो दोस्त का फोन आया था कि यार आ जाओ, तो हमने कहा आप आ जाते हैं। मुर्गा शुरगा ले आए थे, आज अपने मुर्गे ना तपान लग गए ना तनो खाने बहाओ जी। है जी मुर्गे आ गए है, चलते हैं जी। आलू को स्प्रे हो रही है, आज पहली स्प्रे आलू को कराने लगे हैं जो सबसे पहले आलू के रहे थे। तो अभी स्प्रे लेके उनके पास चलते हैं और वहाँ पे जाके मिलते हैं। बाकी ट्रैक्टरों का जी इंशाल्लाह आज नहीं तो सुबह काम सारा ख़त्म हो जाएगा। आज 4x4 आया हुआ है, तो भाई करी थी यार जा रहा है। तो बाकी जी मिलते हैं आपको उधर जाके। माशाल्लाह जी आलू की तैयारी कर रही है, एम एफ 385 4x4 गेयर भी जिसको 4x4 लगा हुआ है और चौथा लो लगाया हुआ है, 4x4 गेयर है जी देख सकते हैं। खाली देख लें जी, बिल्कुल फ्रेम साथ लगा हुआ है जी। माशाल्लाह जी आलू की तैयारी चल रही है, आज 4x4 आया हुआ था तैयारी के लिए। चेक करें जी तासरा है कि नहीं हल तासरा, माशाल्लाह फुल फ्रेम जी साथ लगा हुआ है इसका, चेक करो जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह क्या बात है जी, और जमीन चंगी पट्टी आ रहा है जी, चेक करें जी वाह जमीन पट्टी आ रहा है जी माशाल्लाह। फुल फ्रेम साथ लगा हुआ है, 4x4 गियर भी लगा हुआ है और टॉप लो है जी 1500 से 1600 आरपीएम के दरमियान में इसकी रेस थी और चल रहा है जी, चेक करें जी।
तैयारी चल रही है जी। अब जो जगह बच जाएगी, जो मक्की से वेली होगी, यहाँ तो वहाँ पे बरसीन आएगा या वहाँ पे गंदुम आएगी। ये जी अपना मालवा रेड़ा है, और ये जी अपने ट्रैक्टर वट्टे वुट्टे डाला। बाकी जो मेन मेन काम थे वो जी अल्लाह का शुक्र है और वो जी ख़त्म हो चुके हैं। अभी चलते हैं डेरे की तरफ, जाके चाय बनवाते हैं और चाय पीते हैं जी। ये जी अपना डेरा सामने, जो डेरे के इर्द गिर्द ना यहाँ पे छोटे छोटी पार्टीशन की क्यारियाँ बनाई हैं, किले किले दवाड़े दवाड़े की ना, कुछ इस तरह। ये आप देखें, ये छोटी क्यारी की है बनी, सब्जियाँ ऐसी चीज़ें वगैरह लगाई हैं यहाँ पे ना। एक देसी कोई कनक होती, पापा बता रहे थे कि वो लगानी है देसी कनक ना, वो लगाएंगे इस जगह पे ये रोनी की है। वो कोई स्पेशली भी कहीं से आया है, थोड़ा सा है, तो वो कहते हैं जी उससे देसी कनक लगेगी। आज सूरज भी नींद नहीं कर रहा जी, लगता है मौसम सही वाला बदल गया है जी। अपने आलू वालू स्प्रे होने लगी थे, भाई और पहुँच गया, तो स्प्रे शुरू कर दें गया। जी स्प्रे की थान से पहुंच चुके थे, माशाल्लाह जी स्प्रे शुरू कर दी है इन्होंने, तो पहली स्प्रे हैगी है, तो इंशाल्लाह पहली स्प्रे हाथ ना करावे, तो इंशाल्लाह उस तो बाद आप बोम ना स्प्रे कराया करेंगे इंशाल्लाह जी। माशाल्लाह जी आलू अपने है भी बाहर आ गए, जिते जिते जी पता नहीं रेज ज्यादा है कि उतने खेती बाहर आ गए, जिसे रेज कम है जी उधर नहीं अभी तक आया चेक करो जी। बाकी जी ऐसी वीडियो देखते रहा करो, ताडे वास्ते बनाई दी, तुम फिर भी मेरे चैनल सपोर्ट नहीं करते, बेल आइकन दबाना है तो शेयर शुरू कर देना, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो सारे तो पहले जी यह रह गया, जेडे कल कह रहे थे इन्हों जी अब पानी छड़ते हैं, गया पानी की जरूरत हैगी क्योंकि वत्तर नहीं था। मैं कुछ बताया था लास्ट वीडियो में कि भाई इधर वत्तर नहीं है, लास्ट से लास्ट वाली में सेकेंड लास्ट वीडियो में कि इनमें वत्तर नहीं था, अगलों में था, उधर भी है, सिर्फ इस डेढ़ किले में वत्तर नहीं था। तो छः छः कनालों के टोटे बनाए हैं इनके जी, चेक करो जी। बाकी जी मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।